वेलकम टू लेसन नंबर 19, प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर फ्यूचर यूज। वी विल डिस्कस अबाउट द यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर फ्यूचर टाइम। टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर इन इंग्लिश, एज वी नो दैट देयर आर सेवरल वेज टू टॉक अबाउट द फ्यूचर इन इंग्लिश। फ्यूचर टाइम की बात करने के लिए इंग्लिश में कई चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, कई तरह के स्ट्रक्चर इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे विल और गोइंग टू इस्तेमाल होता है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, मगर हमारे स्टूडेंट अक्सर जो है इसको ही इस्तेमाल करते हैं, या तो विल को इस्तेमाल करते हैं या गोइंग टू को इस्तेमाल करते हैं। मगर प्रेजेंट कंटिन्यूस भी फ्यूचर की बात करने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये किस केस में इस्तेमाल होता है? अरेंजमेंट्स that are planned arrangements, fixed arrangements, जो बात करने से पहले ही आपने पहले से ही तयशुदा चीज़ें आपने प्लान की हुई हैं कि भाई ये काम हमने करना ही करना है, ठीक है। तो इनकी बात करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, कंस्ट्रक्शन तो वही होगी ना सेंटेंसेस की, जैसे आई एम हैविंग डिनर विद फ्रेंड्स टुनाइट, आई एम हैविंग डिनर विद फ्रेंड्स टुनाइट। देखिए, अगर यहाँ टुनाइट ना हो, आज रात यानी जो आने वाली रात है, ये लफ्ज ना हो, तो अगर हो आई एम हैविंग डिनर विद फ्रेंड्स, तो कोई आपसे पूछे व्हाट आर यू डूइंग नाउ, इस वक्त आप क्या कर रहे हैं, तो आप कहोगे आई एम हैविंग डिनर विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर यू हैविंग टुनाइट, ओके फॉर डिनर, आज आप खाने में क्या खाएंगे, या आज आप किसके साथ खाना खाना पसंद करेंगे, या किसके साथ खाना खाएंगे, फिर आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में और फ्यूचर टाइम मार्कर के साथ बयान करेंगे। आई एम हैविंग डिनर विद माई फ्रेंड्स टू नाइट, शी इज मीटिंग डेविड एट द ट्रेन स्टेशन टुमारो, टुमारो भी फ्यूचर टाइम मार्कर है, ठीक है। ये इसकी फिक्स अरेंजमेंट है, अपॉइंटमेंट है, ये इसकी मीटिंग शेड्यूल्ड है, इसकी मीटिंग शेड्यूल्ड है, ओके। ही इजेंट कमिंग टू द पार्टी, ही इजेंट कमिंग टू द पार्टी, ओके, यानी उसने ये तय कर लिया है कि वो पार्टी में नहीं आ रहा। वी aren't seeing our family this weekend, इस वीकेंड पे हम अपनी फैमिली से मिलने नहीं जा रहे हैं, ओके। क्वेश्चन है व्हाट आर यू डूइंग ऑन सैटरडे, आप सैटरडे को क्या करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपने क्या प्लान किया है। या नेक्स्ट क्वेश्चन है इज मैरी अराइविंग एट 7 or 8 AM टुमारो मॉर्निंग, क्या मैरी सुबह को, कल सुबह को 7 या 8 बजे पहुंचेगी, ओके। तो कुछ सिग्नल वर्ड्स होते हैं जिन्हें फ्यूचर टाइम मार्कर्स, फ्यूचर टाइम मार्कर कहलाते हैं, जैसे टुनाइट, आज रात, टुमारो, कल, दिस वीकेंड, इस वीकेंड को, यानी जो हफ्ता इतवार होते हैं, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, दिस समर, दिस फॉल, दिस विंटर, दिस स्प्रिंग, चारों मौसमों के नाम हैं। ऑन मंडे, ट्यूसडे, डेज, ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ठीक है, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट ट्यूसडे, नेक्स्ट वेंसडे, एक्सेट्रा, ये सारे वो सिग्नल वर्ड्स होते हैं जो फ्यूचर टाइम मार्कर होते हैं, फ्यूचर के टाइम को शो करते हैं, जब इनका इस्तेमाल अक्सर अवकात लाजमी होता है कॉन्टेक्स्ट को वाजे करने के लिए, बात को वाजे करने के लिए, ओके। दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।